नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सागर से। सागर में पूनम हत्याकांड के आरोपी, मुख्य आरोपी रोहित राजपूत को सागर पुलिस ले आई है। जी हाँ, सागर रोहित राजपूत आ चुका है। यूपी के मेरठ से गिरफ्तार हुए हत्या के आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी पुलिस। पूछताछ में मददगारों के कई राज खुल सकते हैं। जी हाँ, सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के पगारा रोड पर एक तरफा प्यार में पूनम केसरवानी की गोली मारकर हत्या कर फरार हुए आरोपी रोहित राजपूत को मेरठ से गिरफ्तार कर सागर पुलिस मंगलवार शाम सागर ले आई है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी को मोतीनगर थाने में रखा गया है। पुलिस आरोपी रोहित को न्यायालय में पेश करेगी और रिमांड पर मांगेगी। रिमांड मिलने के बाद आरोपी से पूछताछ की जाएगी। आरोपी से फरारी के दौरान कहां रहा और भागने में किसने मदद की समेत अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। पुलिस की पूछताछ में वारदात से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी रोहित का रिश्तेदार वकील है, जो आरोपी को सरेंडर कराने लेकर जा रहे थे, तभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें कि सागर पुलिस ने हत्या के मामले में 11 दिनों से फरार आरोपी रोहित राजपूत को सोमवार रात उत्तर प्रदेश के मेरठ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। फरारी के दौरान आरोपी अपने रिश्तेदार के संपर्क में आया था, जिसके बाद पुलिस को लोकेशन मिली और गिरफ्तार किया गया। एडिशनल एसपी विक्रम से कुशवाहा ने बताया है कि आरोपी रोहित को मेरठ से सागर लाया गया है, रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर निकल कर आ रही है।